हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज आपका भाई खेलने आने वाला है क्रिकेट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रास्ते में चल के बता दो क्योंकि अभी लेट हो रहा है। आपको राइडिंग करते हुए दिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास कोई गियर नहीं है और मुझे अभी जाना है महावीर नगर के सिग्नल पे क्योंकि वहाँ से आगे का रास्ता पता चलेगा। मुझे नहीं पता ग्राउंड कहाँ पे। मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के थ्रू जिसका नाम है प्रसाद, वो अभी मुझे मिलेगा महावीर नगर सिग्नल पे। तो अभी अभी मैंने दोस्त को कॉल किया था, उसने बोला सिग्नल से पहले एक लेफ्ट आएगा, इधर खड़े रहे मैं आता हूँ। तो अभी मैं डाउट में हूँ कि मैं सही वाले सिग्नल पे हूँ या नहीं, पता नहीं। तो ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा, तो वेट कर रहा हूँ मैं उसी का। और यहाँ पे गलत जगह पे खड़ा था, मुझे सिर्फ थोड़ा सा आगे जाके एक और एक लेफ्ट है, वहाँ पे जाना है। तो चलते हैं फिर, डायरेक्ट अभी मिलते हैं ग्राउंड पे। अरे इतने से गैप में से जाना बोल रहा। तो ये है वो ग्राउंड जहाँ पे हमें आना था। इस ग्राउंड का नाम तो मेरे को भी नहीं पता। ग्राउंड का नाम बताए क्या? मिड डे। ये आउट है। ओ मिस किया। तो अभी मैं मेरे दोस्त के साथ हूँ मिड डे ग्राउंड पे और फर्स्ट इनिंग खत्म हुआ। अरे शॉट यार, चार 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 टारगेट कितना है? 29 ही दिया है, 8 रन चाहिए बस इतना ही। मैं नीचे से मारना चाहता था, वो जोर लग गया, उसे स्पिन किया ना, मैं नीचे से मारना चाहता था तो मेरे साथ खेल लग के स्पिन हुआ ना, बराबर मिडल पे लगा वो गया। अभी है बैटिंग मेरे दोस्त की, तो उसको रिकॉर्ड कर दे, ये ज्यादा मजा आएगा। तो वापस आते वक्त मैं डर गया था, मेरा बाइक का चाबी मेरे पॉकेट में नहीं था लकीली। मजा आया, दो बार आउट हो गए। विन द सीरीज बॉयज। कितना मैच जीते तुम लोग? दो मैच, तीन में से दो। सीरीज विन, सही है। और लास्ट मैच में मैं था फील्डर। हेलो जी, मेरा नाम सुमित है। अभी शाम के 5 बज रहे और अभी हमें जाना है मलाड वेस्ट क्योंकि मेरे दोस्त को बाइक मॉडिफिकेशन करनी है, उसके बैकलाइट के जगह पे जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो। तो बस से ट्रैवल करना मेरे को इतना खास पसंद है नहीं क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे इतना नज़दीक है, तो मैं चले आता हूँ। और अभी मैं दिखा दूँ बस स्टैंड कितना दूर है। अभी मैंने फ्यू स्टेप्स ही चले और बस स्टैंड है ये, ब्लू वाली कार है ना वहाँ पे, और शॉप है यहाँ पे। तो बस का वेट कर रहे, जैसे ही बस दिखेगी तो हम निकलेंगे वहाँ से। पीजी कैश यू।
से UTS ऐप आया तब से मैं टिकट काउंटर के लाइन में कभी गया नहीं। पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। इन बॉयज को नीचे बैठा देख, मुझे मेरा कॉलेज लाइफ याद आ गया। गांधीवली से मलाड सिर्फ एक ही स्टेशन है, यहाँ से सिर्फ चिंचोली बंदर है 10-15 मिनट, बाइक से तो और कम टाइम लगेगा। फ्रेंड जो चिंचोली बंदर जाने वाला है वो ईस्ट में रहता है, मलाड ईस्ट, मलाड वेस्ट जाएगा तो बाइक भी वैकेंट रहेगी, तो वो भी एक सीन है। ईस्ट वेस्ट ब्रिज मेरे बगल में ही है तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का। मेरे फ्रेंड का नाम है पंकज, वो आ रहा है 10 मिनट में आ जाएगा आई गेस, तो तब तक हम वेट करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा ईस्ट वेस्ट का ब्रिज और मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, तो अभी बाइक पे वेट के जाएंगे अपन। तो हमें जो पार्ट चाहिए था वो हमें चिंचोली में तो नहीं मिला। मलाड ईस्ट में नाकोड़ा के पास तो ऑलरेडी दोस्त और घूम चुके, पर टेल लाइट हमें मिला नहीं, तो अभी हम जा रहे हैं अंधेरी के लिए और बाइक चलाने वाला हूँ मैं। तो अभी हमें अंधेरी में और यहाँ पे हमें मिला है लेमन। लेमन मेरा एक दोस्त है, उसका नाम रियल नेम अभिषेक है। लेमन थोड़ा नाराज था क्योंकि उसको किसी ने बर्थडे विश नहीं किया था उसका, हमारे ग्रुप में से। तो हैप्पी बर्थडे लेमन, बिलेटेड। सीन ये है कि अपने पास जो टेल लाइट है वो बहुत बड़ा है। इस बाइकर ने पता नहीं कैसे टेल लाइट अरेंज किया है, इसने अपना टेल लाइट छोटा किया है बट फिर भी इसका लाइट टूट गया है। हमारे माइंड में ये चल रहा था कि ये टेल लाइट छोटा कर देंगे तो लाइट का इशू सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम हर KTM वाला फेस कर रहा है। यहाँ पे भी टूटा हुआ है, यहाँ पे भी टूटा हुआ है। ये रही दूसरी KTM, इंडिकेटर लाइट टूटी हुई है। भाई KTM 200। इस शहर को देखकर मेरे जो मैकेनिक पे डाउट है सारे खत्म हो गए। KTM चलाया है और चलाया तो एक्सपीरियंस क्या है, मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। बाइक हाथ में आते ही सबसे पहले तो हैंडलिंग कंट्रोल, क्रेजी बॉस क्या कंट्रोल होती है। फिर ब्रेक्स क्या लगते हैं यार। फिर थोड़ी ही देर में पावर, इन तीनों को कंट्रोल करके जो कॉन्फिडेंस बनता है ना, फिर तो मज़ा ही आ जाता है। आज मुझे मसाज की ज़रूरत तो नहीं है, आई कैन वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेन। तो मैंने बस एक चाबी मिस करा था आने के टाइम पे। जिस चाबी की बात मैं कर रहा हूँ वो घर की चाबी है, उसके बिना तो मैं घर जा नहीं सकता। तो सबसे पहले चाबी कलेक्ट करेंगे, फिर बस में जाएंगे, बस से फिर घर पे, तो लंबा रास्ता है। न्यू जनरेशन आजकल एडवर्टाइजिंग का आइडियाज तो देखो, फुल 3D। फुल रॉन्ग वे। क्या हुआ, क्या है इतना वेट? हाँ हाँ।
काम चल रहा है इसके लिए क्या? इस मोमेंट के लिए काफी इंतजार था। थैंक यू प्रसाद, थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट, फॉर द की। वैसे प्रसाद ने मुझे ये भी दिया रबड़ी ऐसे ही खाने के लिए, वो एक्चुअली आया था अमूल के शॉप से, तो उसने ये भी साथ में कैरी किया मेरे लिए, तो इसको भी इंजॉय करेंगे। सबसे पहले खाना खाते फिर इसको तो मस्त मज़े से खाएंगे। तो अभी अभी जस्ट मैं खाना खा के आया हूँ और मुझे प्रसाद ने रबड़ी दी थी, अभी अभी जस्ट मैंने ओपन किया है। टेस्टी, बहुत टेस्टी है यार, काफ़ी स्वीट है, मस्त लग रहा है। बेस्ट, तो मैं इसे इंजॉय करता हूँ और हम मिलते हैं कल सुबह